हेलो दोस्त, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत करने वाले हैं नीट 2022 के बारे में कि आप लोग देखो दोस्तों, रियलिटी ये है कि आप लोग किससे सीखते हो लाइफ में, सीखना किससे, वो जो फेलियर है और वो जो टॉपर है, इन दोनों से ही आपको सीख मिल सकती है। फेलियर से ये कि वो फेल क्यों हुआ और टॉपर से ये कि वो टॉप क्यों गया। तो दोस्तों इनसे ही सीख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों देखो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपनी 2022 के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर दोनों पहलुओं को ध्यान रखना है, जो फेलियर है वो फेल क्यों हुए और जो टॉपर है वो किस वजह से टॉप हुए, इन दोनों को आप लोग एनालाइज करना और इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर यूज करना, हमेशा इस पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो मेन पॉइंट है उनका आप लोग ध्यान रखना, जिससे आपको नीट 2022 के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। दोस्तों बात करते हैं, देखो एक आता है आपके सामने एनसीईआरटी शब्द, और इसके बारे में कौन नहीं जानता, और स्पेशली नीट वाले, क्योंकि नीट मेन रूप से जो डिपेंड है वो पूरी एनसीईआरटी पर ही है और इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पूरी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे आप बात करूँ यहाँ पर देखो बायोलॉजी पूरी पूरी याद होनी चाहिए 11th और 12th की, ठीक है, एकदम इस बिल्कुल रटे मार लेने हैं आपको, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पर फिजिक्स की, ठीक है। तो दोस्तों फिजिक्स को तो आप लोग जितना ज्यादा मिलाओगे, ठीक है ना, सॉल्व जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपका आपके लिए अच्छी होती जाएगी फिजिक्स, क्लियर चीज है। फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको रट्टे मारने हैं, रट्टे कुछ आप फॉर्मूलाज मार सकते हो, बाकी फिजिक्स के अंदर आपको अच्छे से सॉल्व करनी है फिजिक्स, ठीक है। और बायोलॉजी के ज्यादातर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम फिजिक्स से आती है, ठीक है, यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के सामने यही प्रॉब्लम आती है फिजिक्स, ठीक है ना। तो आप लोग फिजिक्स को अभी से अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, ज्यादा विस्तार में जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको अच्छे से सॉल्व बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगेगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और एनसीईआरटी को अच्छे से देख लेना फिजिक्स की। और उसके बाद में आती है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो ये तो रट्टे मारने योग्य है, ठीक है, लेकिन जो फिजिकल है उसके अंदर कुछ फॉर्मूले वगैरह है उनको तो आपको रट्टे मारना है, लेकिन बाकी वाले क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप लोग अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर पाओ, ठीक है दोस्तों। ये आपके जो भी एनसीईआरटी के बारे में प्रॉब्लम्स थी वो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना एनसीईआरटी सॉल्व नहीं है, बाकी बुक्स की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो दोस्तों यही फिक्स रूल है, ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से आपको करनी है। इसके बाद में दोस्तों और कौन कौन सी चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है जिससे आप लोग नीट 2022 को अच्छे से क्लियर कर सको। तो दोस्तों इसके बाद में आता है पेपर टेस्ट। तो दोस्तों टेस्ट आपको यहाँ पर जो स्टडी की है आपने, ठीक है, उसका आप वीकली या फिर मंथली दो टेस्ट दे दो, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा आप उनको टेस्ट नहीं देना है, लेकिन मिनिमम कम से कम दो टेस्ट मंथली आपको देने हैं, टेस्ट से भागना नहीं है, जो पढ़ा है उसको वापस आपको टेस्ट सीरीज कहीं पर मिल जाएगी, उससे टेस्ट लगाइए दोस्तों, टेस्ट से आपको पता चलेगा भाई आपने कितना पढ़ा है, वो आपको कितना याद है, ठीक है, ये सब लगाइए जिससे आप लोगों की अच्छे से नीट 2022 के अंदर आप अच्छे से फाइट कर पाओ और अपना जो एम है वो हासिल कर पाओ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो लास्ट के अंदर क्या करना होता है वो लास्ट की बात है, लेकिन अभी बता रहा हूँ लास्ट के टाइम आप लोग ये ध्यान रखना पिछले सालों के पेपर उठा लेना दोस्तों, बायोलॉजी और यहाँ पर अपनी केमिस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर तो फिक्स चीज है दोस्तों, ठीक ना, जो है वही है एनसीईआरटी के अंदर है वही यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना, ऐसा कोई है नहीं कि नंबरिकल क्वेश्चन हो, ठीक है ना, जो घुमा फिरा के दे दे, जो चीज है सामने तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस है, ठीक है ना। तो पिछले सालों के पेपर वापस उठा के देख लीजिएगा 5 से 10 सालों के पेपर, जिससे और भी आसान हो जाए, पेपर का लेवल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी इससे समझ में आ गई, और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, जय हिंद।